लखनऊ में केसरबाग से कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को भी केसरबाग सब्जी मंडी से जुड़े 4 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं एक मरीज ठाकुरगंज का है, लेकिन केसरबाग के एक कोरोना पॉजिटिव ने निषादगंज इलाके के निवासियों में दहशत बढ़ा दी है। ये संक्रमित व्यक्ति यहाँ एक शव यात्रा में शामिल होने आया था। लखनऊ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना मरीजों के प्रति लापरवाही भी सामने देखने को मिल रही है। हालांकि सीएमओ ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कैसरबाग सब्जी मंडी जिस प्रकार से कोरोना कैरियर के रूप में सामने आई है, वहां से तकरीबन 50 से ज़्यादा मामले कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। आज भी कैसरबाग सब्जी मंडी से 4 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर कहीं सामने आई है तो वो कोरोना पॉजिटिव मरीज की है, जो खुद निषादगंज इलाके में अपने एक परिचित की शव यात्रा में शामिल होने आया और इस परिचित की शव यात्रा में शामिल हुआ, बाकायदा शव विच्छेदन गृह भैंसाकुंड पहुंचा, अपने परिजनों के घर पूरी रात रुका, जिसे वहां के स्थानीय निवासियों में भारी दहशत है। और निषादगंज के लोगों का ये कहना है कि अगर इसी तरह कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ट्रीट किया जाता है तो ये निहायत ही शर्मनाक है। प्रशासन ने अभी तक निषादगंज को सैनिटाइज करने की कोई पहल नहीं की है। हालांकि नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी का साफ तौर पर कहना है कि भैंसाकुंड को 2 दिन पहले सैनिटाइज किया गया है, लेकिन आखिर जिस व्यक्ति की कोरोना संक्रमण की जांच हुई वो किस प्रकार से निषादगंज पहुंचता है, ये अपने आप में प्रशासनिक अफसरों पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि अगर कोरोना की आपकी जांच हुई थी तो उसको घर पर ही क्वारंटाइन करना चाहिए था, और प्रशासनिक अफसरों की टीम ने इस कोरोना पॉजिटिव मरीज को सीधे भैंसाकुंड से एम्बुलेंस में बिठाया है। इसका सीधा अर्थ है कि वायरस के प्रचार प्रसार में ऐसी लापरवाही कहीं ना कहीं अक्षम्य साबित होगी और इस पर तत्काल प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन अब अभी तक किसी भी प्रशासनिक अफसर पर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। निषादगंज के पूर्व पार्षद भी मानते हैं कि ये अफसरों की लापरवाही का एक बड़ा मामला है, और इस तरीके से अगर लापरवाही जारी रही तो कहीं ना कहीं लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी लगातार देखने को मिलेगी। कल की घटना का मैं विवरण देना चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत दुखद घटना हुई, जहाँ पर एक मृत्यु हुई, जिसमें एक कैसरबाग के निवासी जो उनके रिश्तेदार थे वो यहाँ पर आए और उनका संपर्क लगभग 50 से 70 लोगों से हुआ, और जब वो भैंसाकुंड पहुँचे तो उनको डॉक्टरों की टीम वहाँ से ले गई और बताया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। वो न्यू हैदराबाद क्षेत्र में और निषादगंज में दोनों जगह रहे। ये घटना किसी भी परिवार के साथ हो सकती है, चाहे वो हमारा परिवार हो या आपका परिवार हो या किसी का भी परिवार के साथ ये घटना हो सकती है। हम लोगों ने इसकी सूचना क्योंकि मोहल्लों वालों में और वहाँ के पड़ोसियों में बड़ा रोष था कि ये कैसी घटना हुई, तो हम लोगों ने सूचना आगे दी और लोगों को बताया गया कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है। हम इस वक्त निषादगंज इलाके के पास में खड़े हैं, जहां पर लोगों में भारी दहशत है और यहां के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अभी तक नगर निगम ने हमारे इलाके को सैनिटाइज भी नहीं किया है। कम से कम कोरोना पॉजिटिव मरीज़ अपने जिन परिजनों के यहां रुका था उनकी पूरी जांच करानी चाहिए। हालांकि प्रशासनिक अफसरों का दावा है कि सभी व्यक्ति जो उनके डायरेक्ट संपर्क में आए थे उनकी जाँच कराई जा रही है और उसकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार भी किया जा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति के इनडायरेक्ट टच में जो लोग आए थे अभी अफसरों को उनकी पूरी जानकारी नहीं है। और कहीं ना कहीं वायरस की जो चेन है वो इनडायरेक्ट तौर पे जो लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आते हैं उनसे बढ़ती आई है, और यही बात सदर में भी सामने आई थी। सदर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की जो चेन है उसको ब्रेक करने में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। अगर इसी तरह कोरोना पॉजिटिव मरीज खुले में घूमते रहे तो वे पूरे लखनऊ शहर के लिए एक बड़ा खतरा साबित होंगे। सिर्फ निषादगंज ही नहीं, अलग अलग इलाकों के लिए भी एक बड़ा खतरा कोरोना संक्रमित मरीज बन सकते हैं। ऐसे में प्रशासनिक अफसरों को
लापरवाही कतई नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आम जनता में पहले से ही कोरोना के प्रति काफ़ी दहशत है और अगर इसी तरह लापरवाही होती रही तो आम जनता कहीं ना कहीं अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन भी करने को मजबूर हो सकती है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।